गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह की शुरुआत हो गई है चाय के साथ। मैं इधर बना रही हूँ चाय और किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है पूरा। हमारी काली चाय, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप लेमन। तो अब ये हमारी बन गई लेमन टी। कल रात को मैंने एयर रिंग्स खोल दिए थे, काफ़ी ज़्यादा गड़ रहे थे। चाय मम्मी, बच्चे भी सोकर उठ गए हैं। कूलर यहाँ नॉन स्टॉप चलाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, थोड़ा सा भी कूलर स्टॉप करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यानी नहा कर आ गई हूँ, अब चलती हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता में खाना है बच्चों को पोहा, और अभी तो घर में सिर्फ हम हैं, मम्मी हैं और बच्चे हैं। पांडे जी भी गए हैं, क्योंकि 2 दिन को उनकी क्लोजिंग टाइम था तो चले गए थे। तो पांडे जी भी 2 दिन के लिए गए हैं राजस्थान, और फिर इसके बाद आ जाएंगे, कल आ जाएंगे आई थिंक, वो परसों गए हुए थे तो कल आ जाएंगे। तो अब चलते हैं, बनाते हैं नाश्ता। तो अभी यहाँ आया था ये सब नमकीन वगैरह लेके, ज़्यादा तो नहीं लिया था, तो मम्मी अभी बच्चों को लिए ये मूंग दाल नमकीन बिस्किट। तो मैं चेंज कर ली हूँ, पहन ली हूँ साड़ी, वहाँ के ऐसे तुरंत काम डाली थी। अब चलते हैं नाश्ता करने। इधर बन गया है पोहा, पोहा में नमकीन जिसको लेना होगा अपने हिसाब से डाल लेगा। कपड़े सारे मैंने यही डाल दिए, क्योंकि बाहर तेज धूप है ना, तो कपड़ों का कलर उड़ जाता है, तो बच्चों की टी शर्ट वगैरह सब ही सूख जाएंगे। गेहूँ रखा रही है 2 ग्लास गन्ने का रस, सब्जी क्या है? नहीं 2 ग्लास लीजिए, बना दिए हैं। गल गए काम क्या? गल गए हैं, गल गई है ज़्यादा। सीटी दिला दी थी लास्ट में। हाँ क्या खोल? एक नहीं, वैसे खुला पकी है, फिर मैंने क्या किया कि सीटी दिला दिया, पक फिर बंद रही आई। सीटी दबा बा, हाँ सीटी दबा बा, पानी या तब जल्दी जल्दी खोलते हैं। नहीं नहीं है आज, कल परसों कल शाम को बढ़िया आ जाएंगे, पूरी रात तो वहाँ अच्छा लगेगा ही। मामा के यहाँ करेंगे, नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, वहाँ मुझे अच्छा लगता है। मामा के यहाँ भी मतलब सबसे मिले है ना, तो अच्छा लगता है। मुझे भी लगा पत्ता में लपेटी है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अमावट अमावट हम लोग की सबकी बहुत फेवरेट है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, एकदम उमस वाली गर्मी लग रही है। तो अभी सोए तो नहीं, नींद तो नहीं आई थी, भैया आ गए थे बोलू भैया, तो वही चाय नाश्ता हुआ, अभी बैठे हुए सब दरबार हुई। यहाँ बच्चे बिल्कुल अपना स्विमिंग पूल बना रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। दादी से भरवा लिए हैं यहाँ पूरा पानी, और ये बन गया है इनका स्विमिंग पूल। थोड़ा और ऊंचा रहता हूँ भी मजा आ जाता, एक ऊंचा इसको और करवा लेंगे। से मौसम ठंडा हो जाता है, दिन भर जितनी गर्मी रहती ना, शाम को उतनी अच्छा ठंडा हो जाता है। अभी प्लान हो गया है चाची के घर जाने का, क्योंकि चाचा एक्सपायर हो गए थे, तो ये आए थे, मैं नहीं आ पाई थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ जाके मिल आऊँ, क्योंकि फिर कहीं भी आना जाना है, टाइम नहीं देगा, तो आज सिर्फ चाची के यहाँ जाऊँगी। अभी जाते हैं, और चेंज करने का मन नहीं हो रहा है, मैं यही साड़ी पहन के जा रही हूँ, और ऐसे सीधे पल्ले में। गाँव लोग जैसे मम्मी भी जब गांव जाती थी तो हमेशा सीधे पल्ले में साड़ी, तभी मैं सीधे पल्ले में। आज हम पैदल जा रहे हैं गांव से दूसरे गांव, कभी नहीं गए, पहली बार, मतलब इतने सालों में, 13 साल में पहली बार मैं उस गांव पैदल जा रही हूँ। पांडे जी हैं नहीं ना, हैं तो उनके साथ जाती, पर चाची के यहाँ जाना था। अच्छा ये वाला बाहर भैंस नहीं, अंदर आई रहा, अच्छा बड़ा खोटा।
यहाँ से क्या शुरू होगा अपना घर? बिल्ली 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 है तो बिल्ली है ना, तो क्या हुआ? इतना डरते हो? कुआं है ये, अब आ गए हाँ अपने गांव है ना। हमारी सबसे अच्छी जगह थी तो ये वाला ना तोड़वाइए, किसको तोड़वा देंगी? तो इसमें कमरा बनेगा तो ये सब गिर जाएगा है ना। तो इधर भी कमरा बनवाएंगी तो रास्ता कहाँ से? रास्ता ऐसे पीछे साइड से देंगे इधर। हाँ ठीक है, पिछले जमाने बनवाए रहे होंगे कि? हाँ पहले बनाए थे। इसको कहीं लगवा देना किसी, ये पूरा साइड था, यहाँ था और उनके साइड था, इसको कहीं लगवा देना। सबसे अच्छी जगह है ये, यही पास में हमेशा बैठती थी। चकरी अभी भी है, अभी बोल रहा था जब नया घर भी बनेगा हाँ। तो उसको भी लगवाएंगे, जो वो भी था वो हाँ, चकरी काड़ी और वो काड़ी और वो वाला जो था क्या कहते हैं जितवा, वो भी लगवाएंगे। यहाँ है अभी, यहाँ से रास्ता है और इधर से दिखा है। इस रूम में है वो जो इस रूम को क्या कर रहे हैं अभी? ऐसी ही है पर अब गिर जाएगा जैसे बरसात में। पूरा एक अच्छा रूम, ये किचन है ना। तो पक्का वाला किचन कहाँ है? अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, जैसे इंडक्शन वगैरह तो किचन दिए कहाँ है? ऐसे ये यहाँ पे बन जाता है जैसे उसमें। घर आके तब रहेंगे जब सोलू की शादी होगी, तब आके यही रहेंगे। बहुत मैगी बना दी प्राची। खा लो मैगी, दीदी बना के दे रही है। टॉर्च लेने चलिए चाची, आप भी टहलाइएगा। अब रात को आज हम लोग बगिया होते हुए जाएंगे। चलो आज एकदम काले खेत से होते हुए सब जा रहे हैं। पत्ता ही ले कितने बीच गांव के खेत से होते हुए, बगीचे से होते हुए, कहाँ से? हाँ आगे आगे मम्मी आप चलिए, कहने गए बनना को जाए। क्या बोली रानू? अच्छा मेड़ से अलग जात रहे तब तो हम ठीक है चाची है ना, फिर आएंगे, अभी आएंगे है ना। अभी मीनू जीजी रुकेंगी ना, अभी रहेंगी ना, आऊंगी अभी है ना। कहाँ जा रहे हो आगे आगे? जी देव हमें ले जा रहा है पूरे गांव के रास्ते से। ये भुवर है जो अपने यहाँ क्या करते हैं, रहते हैं, जो भी काम धाम रहता है देखते हैं। देव का घर है, शादी हुई है क्या अभी? ये पूरा एक ही घर है, इनका पता हुआ है, लड़का का शादी है। घोड़े की जी खुश रहिए, बहुत टाइम हो गया है।
हाँ पल चल तो दिखा तो ये एक सब लोग एक साथ रहते हैं। हाँ, एक साथ है एक भाई के घर में रहा था, ये सबसे बड़े वाले। नई बहू कहाँ है? चारा कुर्सी चले जाए घर में कौन है ताला उतार के ताला बंद है घर में कौन है चल। रोटी गैस में बनाती है चूल्हे में कहे नहीं अच्छा है उनकी मम्मी है ये बड़ी भाभी है अभी है जब बनी तो फिर अपन अपन गैलरी निकाल ठीक है जब तीन दिन का कह दिया हाँ, ये बनाए चित्रकारी ये डिजाइन नहीं बनाए हैं ये बनाए ये सब गुनी है काकी माँ बहुत गुनी है मिट्टी का बनाए हैं ये हाँ, अच्छा बढ़िया घर बना रखे हैं। हाँ नहीं अच्छा है छोटे छोटे अच्छे बना रखे हैं सारे काकी पेंट अच्छा काकी का भी घर यही है ये इनका है ना ये एक एक किचन है ये वो अपना रूम कहाँ गई काकी काकी हाँ ये वाला देखो अरे ये तो बढ़िया बना रखे हैं भाई टीवी स्टैंड स्टैंड बढ़िया घूम लीजिए हाँ एक कुठली बनी है अरे बढ़िया है रे टीवी स्टैंड कितना अच्छा है देख लो वानी कितना अच्छा चूल्हा वूल्हा कितना अच्छा एकदम बना रखे हैं अच्छा चावल की भी कुठली है आ, ये है कुठली है ना हाँ बढ़िया है चलो ये बढ़िया अच्छा है अच्छा है जब तक कच्चे में कोई वो ना हो नुकसान ना हो तब तक पक्का मत बनाइए मस्त है कच्चा मैं यही बोलूंगी तो पक्का बनाने का अगर नहीं अगर कोई दिक्कत ना हो तो कच्चा ही रहिए पक्का बनाने का मत सोचिए हाँ कच्चा बनवाएंगे हाँ बनवाएंगे पता है हाँ उसको कच्चा कहीं पटनई क्या खपड़ा लकड़ी का गोला लगा था हाँ अटारी जैसे पहले बना रही है अच्छा अटारी जलवा के फिर वो कर रहे हैं हाँ कच्चा घर बढ़िया है मत गिरवाइएगा। आज हम पूरा गांव घुमाए पूरा गांव सब क्या नहीं गए गिने चुने घर गए पर पहली बार इतने सालों में इस रास्ते से गई इस रास्ते से हाँ रास्ते में जा जा के सबका घर देख लिए बड़ा अच्छा लगा फाइनली आ गए हम अपने घर पुराने वाले घर से आ गए और हम सब लेटे हुए हैं अभी A few moments later तैयार हो रहे हैं शाम के खाने की तैयारी और अब मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी घर का कद्दू तोड़ा हुआ था मम्मी ने तो कद्दू की सब्जी बन गई है और बनी रही है देव को खाना था कद्दू की सब्जी साथ पराठे अच्छे लगते थे पराठे बनाऊंगी और अभी चलती हूँ आटा गूंथने फिर उसके बाद खाकर मुझे भी ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है अभी तो हम आपसे रेगुलर गांव के ब्लॉग शेयर करेंगे सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ चैनल में नए होंगे या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चलिए तब तक के लिए बाय बाय।